हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है अबाउट डेल वेक्टर ऑपरेटर। सो इससे पहले कि हम डेल वेक्टर ऑपरेटर के बारे में जानें, ये जरूरी है हमारे लिए समझना कि ऑपरेटर क्या चीज है। नॉर्मली आपने ये एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, दैट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अब साइन एक्स कॉस एक्स कैसे बना? डी बाई डी एक्स इसके ऊपर ऑपरेट हुआ। इसी तरह से 2 + 3 = 5, जो प्लस लग रहा है वो 3 के ऊपर है। तो ऐसा जो फंक्शन या कोई चीज जब किसी के ऊपर अप्लाई होती है और कुछ रिजल्ट देती है, हम उसको बोलते हैं ऑपरेटर। अब मुझे एक बात बताइए, डी बाई डी एक्स बाई साइन एक्स तो कॉस एक्स हो गया, बट इसका क्या आंसर होगा? साइन एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स, राइट? कुछ भी नहीं। इसी तरह से 2 + + के आगे जब तक मैं कुछ नहीं लिखूंगी, मेरा जवाब कुछ भी नहीं आ सकता। इसी तरह से हमें ये बात पता चल गई कि ऑपरेटर की इम्पॉर्टेंस तभी है अगर उसके आगे कुछ ऑपरेंड, हम उसको जिसके ऊपर अप्लाई कर सके, वो चीज़ लगी हो। अब हम बात करते हैं डेल वेक्टर ऑपरेटर की। डेल वेक्टर ऑपरेटर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है फिजिक्स में, जिसके बिना हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट को हम स्टडी नहीं कर सकते। डेल वेक्टर ऑपरेटर मैथमेटिकली इस तरह से दिया जाता है, कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ आई कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड के कैप। इसको हम नेबला ऑपरेटर भी बोलते हैं, एंड एक्चुअली इट इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। वेक्टर क्योंकि आई कैप जे कैप के कैप लगा है, डिफरेंशियल हमने इसलिए वर्ड यूज किया क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो ये डिफरेंशिएशन कर रहा है। तो डेल वेक्टर ऑपरेटर या नेबला ऑपरेटर इज अ वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर इन फिजिक्स विच हैज नो सिग्निफिकेंस और नो इम्पॉर्टेंस अनटिल एंड अनलेस इट इज अप्लाइड ऑन सम फिजिकल क्वांटिटी। यानी इसकी कोई भी इम्पॉर्टेंस नहीं है जब तक मैं इसको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर अप्लाई ना करूं। अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो डेल वेक्टर ऑपरेटर है, ये अप्लाई होता है स्केलर फील्ड या फिर वेक्टर फील्ड के ऊपर। अगर हमारे पास एक स्केलर फील्ड है फाइ एक्स वाई जेड, फाइ ऐसा स्केलर फील्ड एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसके ऊपर जब हम डेल ऑपरेटर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कर्ली बाय कर्ली एक्स फाइ आई कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई फाइ जे कैप प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड फाइ के कैप। इसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। और फिजिकली इसकी ये इम्पॉर्टेंस है कि ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। इसका सबसे इजी एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल है टेम्परेचर ग्रेडियंट। दो पॉइंट्स के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, हम उसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई हुआ और जो आंसर आया हमारे पास वो आया इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। आइए अब देखते हैं कि ये वेक्टर फील्ड के ऊपर किस तरह से अप्लाई हो सकता है। अगर हमारे पास एक वेक्टर फील्ड है ए एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अब डेल भी एक वेक्टर है और ए भी एक वेक्टर है। अब दो वेक्टर्स आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई हो सकते हैं? उसके सिर्फ दो ही तरीके हैं, या डॉट प्रोडक्ट के थ्रू या फिर क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। तो जब डॉट प्रोडक्ट के थ्रू अप्लाई होगा तो आई की वैल्यू डेल डॉट ए, और जब क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू अप्लाई होगा तो हम इसको बोलेंगे डेल क्रॉस ए। आइए अब इसको आगे हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो लेट्स सी कि अब ये जो डेल वेक्टर ऑपरेटर है, ये वेक्टर फील्ड के ऊपर किस तरह से अप्लाई हो सकता है। ये दो तरह से अप्लाई हो सकता है, एक तो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू और एक क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू। जब ये वेक्टर फील्ड के ऊपर डॉट प्रोडक्ट के थ्रू अप्लाई होगा तो हम इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, और जब ये क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू अप्लाई होगा तो हम इसको बोलेंगे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉट से डॉट मींस डाइवर्जेंस है या कर्ल है, या क्रॉस मींस डाइवर्जेंस या कर्ल है। तो याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है, डी से डॉट और डी से ही डाइवर्जेंस,
सी से ही क्रॉस और सी से ही कर्व। अब अगर आगे स्टडी करें तो अगर मेरे पास एक वेक्टर फील्ड है ए एक्स वाई जेड जो एक्स वाई और जेड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसकी लेटर से वैल्यू है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो अगर डेल और ए का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कर्ली बाय कर्ली एक्स ए एक्स प्लस कर्ली बाय कर्ली वाई ए वाई प्लस कर्ली बाय कर्ली जेड ए जेड। ये तो बात हो गई मैथमेटिक्स की। अब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर हम डाइवर्जेंस का एक डिक्शनरी मीनिंग देखें तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है आउटफ्लो, जब कोई चीज बाहर जा रही है, तो यही चीज ये फिजिक्स में रिप्रेजेंट करता है। सो डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट्स द आउटफ्लो ऑफ अ वेक्टर फील्ड फ्रॉम दैट गिवन पॉइंट, की उस पॉइंट से वेक्टर फील्ड किस रेट से बाहर जा रहा है। क्योंकि अब हमें पता है कि डाइवर्जेंस एक डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा स्केलर होता है। स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है, स्केलर नेगेटिव भी हो सकता है और स्केलर जीरो भी हो सकता है। अगर तो पॉजिटिव है, अगर किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हम उस पॉइंट को बोलते हैं सोर्स, यानी वहां से चीजें बाहर जा रही हैं। और अगर किसी पॉइंट पे डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हम उसको बोलेंगे सिंक, यानी वो अपने अंदर चीजों को खींच रहा है। और अगर डाइवर्जेंस की वैल्यू आ गई जीरो, यानी जितना रेट बाहर का है उतना ही रेट अंदर आने का है, यानी एक सर्कुलर सा लूप बन गया कुछ इस तरह का, तो उस तरह के फील्ड को हम बोलेंगे सोलेनोइडल फील्ड। मतलब डाइवर्जेंस अगर पॉजिटिव है तो उस पॉइंट पे सोर्स है, डाइवर्जेंस अगर नेगेटिव है तो उस पॉइंट पर सिंक है, और डाइवर्जेंस अगर जीरो है तो उस तरह के फील्ड को सोलेनोइडल फील्ड। अब बात करते हैं कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम डेल वेक्टर ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं एक डिटर्मिनेंट की फॉर्म में तो इसकी ये मैथमेटिकल वैल्यू आ जाती है। अब कर्ल का फिजिकल मीनिंग या कर्ल का डिक्शनरी का मीनिंग क्या होता है, यानी गोल, तो यही चीज कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड फिजिक्स में रिप्रेजेंट करता है। तो इट रिप्रेजेंट्स द रोटेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड, यानी एक पॉइंट, एक वेक्टर फील्ड एक पॉइंट के आसपास कितने रेट पे घूम रहा है। अब क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा वेक्टर होगा, जो वेक्टर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव तो हो नहीं सकता, हाँ जीरो या नॉन जीरो जरूर हो सकता है। तो यानी अगर इसका क्रॉस प्रोडक्ट, डेल वेक्टर ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फील्ड के साथ जीरो आया, उसको हम बोलेंगे इरोटेशनल फील्ड, यानी वो फील्ड रोटेट नहीं कर रहा। मैं रिपीट कर रही हूँ, हम उसको बोलेंगे इरोटेशनल फील्ड, वो फील्ड रोटेट नहीं कर रहा। और अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो नहीं आता, यानी वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, उस तरह के फील्ड को हम बोलते हैं रोटेशनल फील्ड। तो हमने आज तीन चीजें पढ़ी अपने लेक्चर में। एक हमने पढ़ा ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड, यानी जब डेल वेक्टर ऑपरेटर एक स्केलर फील्ड के ऊपर अप्लाई होता है तो रिजल्ट वेक्टर आता है जो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज। और अगर डेल वेक्टर ऑपरेटर थ्रू डॉट प्रोडक्ट अप्लाई होता है एक वेक्टर फील्ड के ऊपर, हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड विच रिप्रेजेंट्स द आउटफ्लो ऑफ अ वेक्टर फील्ड। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इफ इट इज पॉजिटिव इट रिप्रेजेंट्स द सोर्स, इफ इट इज नेगेटिव इट रिप्रेजेंट्स द सिंक, एंड इफ डाइवर्जेंस इज जीरो इट रिप्रेजेंट्स द सोलेनोइडल फील्ड। And if del vector operator operates on a vector field through cross product, it is called curl of a vector field. And physically, it represents the rotation of a vector field about a given point. And it can be either zero or non-zero. If it is zero, then that kind of field is called irrotational field. And if it is non-zero, it is called rotational field. तो ये था सारा हमारा एक डेल वेक्टर ऑपरेटर की इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टे ट्यून्ड फॉर सच काइंड ऑफ मोर लेक्चर्स। थैंक यू।